कुत्ते को आप कहीं दूर ले जाकर छोड़ देते हैं, फिर भी वह कुत्ता अपनी जगह पर वापस आ जाता है, क्योंकि कुत्ता पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्रों को समझ सकते हैं और कुत्ते अल्ट्रावायलेट प्रकाश को भी देख सकते हैं। बहुत टाइम पहले कुत्ते और भेड़ियों की प्रजाति एक ही होती थी, लेकिन धीरे धीरे इन दोनों की प्रजाति थोड़ी अलग हो गई। लेकिन आज भी कुत्ते और भेड़ियों की प्रजाति में संबंध है, क्योंकि कुत्ते और भेड़ियों की ब्लड ग्रुप 99.9% मिलता है। पुरुषों में स्पर्म बनना कभी बंद नहीं होता है, महिलाओं में एक उम्र के बाद अंडे बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लेकिन पुरुषों में स्पर्म निर्माण होने की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुष के स्पर्म काउंट कम हो जाने लगते हैं, पर स्पर्म बनना बंद नहीं होता है। इंडिया के साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन सुपरस्टार ब्रह्मानंदन यह दुनिया के इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने 5000 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। ब्रह्मानंदन के नाम सबसे ज्यादा फिल्मों में काम करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। फ्रांस में एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले 100 सालों से कोई नहीं गया। इस जगह को फ्रांस की सरकार ने लोगों के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि यह एक जहरीली जगह है जहां की जमीन और पानी जहरीली है। इस जगह का नाम जॉन रॉग है। यहां भारी मात्रा में आर्सेनिक पाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा जहरीली होता है। हनी बेगर को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार दुनिया का सबसे निडर जीव माना जाता है, जो कि अपने से बड़ा और खतरनाक किसी भी जीव से लड़ने में पीछे नहीं हटता है। यह शेर, लकड़बग्घा और मगरमच्छ से भी लड़ने में डरता नहीं है, हमेशा लड़ जाता है। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबा सांप होते हैं और आमतौर पर इनकी लंबाई 18 फुट तक होती है। इनका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि मात्र 7 मिलीलीटर 20 आदमी और एक हाथी को मारने के लिए काफी होता है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट के जंगल में चिम्पेई नाम का एक बहुत ही खतरनाक पौधा पाया जाता है। इस पौधे की खास बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति इसे छू लेता है तो उसे इतना ज्यादा दर्द होता है कि वह दर्द से बचने के लिए आत्महत्या कर लेता है। इसे सुसाइड प्लांट भी कहा जाता है। रतन टाटा को फ्लाइट उड़ाना बहुत ज्यादा पसंद है, वह एक कुशल पायलट भी है। रतन टाटा 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय थे। 2010 में रतन टाटा ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के लिए कार्यकारी बनाने के लिए $50 बिलियन का दान किए थे। रतन टाटा ने इसी जगह से अपनी कॉलेज की पढ़ाई की थी। यहाँ पर एक हॉल को टाटा हॉल का नाम दिया गया है। बिस्टेरिया नाम का एक यह पेड़ जापान में पाया जाता है। इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत पेड़ माना जाता है। ये पेड़ पूरी तरह से फूलों से ढके हुए रहते हैं। किसी पेड़ का फूल गुलाबी रंग का होता है तो किसी पेड़ का फूल नीले रंग का होता है। इन फूलों की पूरी तरह से खिलने में 5 से 15 साल लग जाते हैं। दोस्तों वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी सब्सक्राइब करने पर।